एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशा लाइफस्टाइल। आज हम शेयर करेंगे कड़ा प्रसाद की रेसिपी। सो ये जो कड़ा प्रसाद है वो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही जल्दी आप कभी भी बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ फेस्टिवल भी हो तो ये हलवा आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी लगता है ये। तो चलिए हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे एक कढ़ाई और उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा घी। तो ये जो घी हमने डाला है वो हम सबसे पहले नट्स को हम इसमें रोस्ट करेंगे घी में। तो इससे क्या होता है, जो हम कड़ा प्रसाद बनाएंगे उसमें ऊपर से हम ये नट्स डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने यहाँ पर नट्स में लिए हैं काजू, बादाम एंड किशमिश। आपका जो फेवरेट नट्स है आप वो डाल सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा घी में रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए किशमिश भी अच्छी खासी फूल गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया, तो मैंने निकाल दिया है, उसको साइड में रख दिया है। और यहाँ पे हम लेंगे एक कप आटा। तो मैंने यहाँ पे पूरा मेज़र करके एक कप आटा लिया है और घी मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था बिकॉज आटा में घी बहुत लगता है। तो उसके बाद मतलब आधा या 3/4 कप के करीब हमने यहाँ पे घी लिया है, देसी घी, और एक कप हमने आटा लिया है। और इसको हम अब घी में अच्छे से भून लेंगे। तो आप यहाँ पे मीडियम फ्लेम में रखेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम में जो आटा है वो हमारा जल जाएगा तो अच्छा टेस्ट नहीं आता है हलवा का, और लो फ्लेम में इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप इसको मीडियम फ्लेम में इस तरीके से चलाते हुए हमें इसे भूनते जाना है। आप धीरे धीरे देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और जो हमारा घी है वो भी साइड में आता जाएगा। तो आप देख सकते हैं घी मेल्ट हुआ है अच्छे से, आटा भी काफ़ी लिक्विड फॉर्म में चला गया है अभी। तो ये धीरे धीरे देखिए थोड़ा सा ब्राउन कलर में आया है और ऐसे करते करते हमें 10 से 15 मिनट हो गए हैं। 10 से 15 मिनट भूनने के बाद कि इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन कलर में आ चुका है और इसके बाद हम इसको 5 से 10 मिनट और थोड़ा भूनेंगे। आप देख सकते हैं साइड साइड में इसका घी आने लग गया है। तो हम यहाँ पे अब पानी डाल देंगे। तो घी जब यहाँ पे साइड साइड आपको दिखने लगे तो यहाँ पे आप पानी डाल देंगे। तो पानी यहाँ पे हमने लिया है 2 से 2.5 कप, इससे ज़्यादा पानी हम नहीं लेंगे नहीं तो बहुत पतला बन जाएगा हमारा हलवा। और 2 से 2.5 कप में आप इसका टेक्स्चर देख सकते हैं, बिल्कुल मस्त है एकदम, जो हम कड़ा प्रसाद बाहर गुरुद्वारे में खाते हैं वैसा। और इसमें हम शुगर डाल देंगे 1/2 कप के करीब। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा लेते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 कप के करीब यहाँ पे शुगर डाला है और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और शुगर डालते ही आप देख सकते हैं हलवे का कलर काफ़ी यमी हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है। और इसको जितना आप इसको थोड़ा और भूनेंगे ना उस हिसाब से देखिए घी कितने अच्छे से आ रहा है साइड साइड में, वैसे घी आते जाएगा। और फिर हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने रोस्ट किया था घी में, और देखिए इसका टेक्स्चर एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा कड़ा प्रसाद बनकर रेडी हो गया है, इसको आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत ही यम्मी लगता है। तो कैसा लगा आप लोग को ये मेरा फटाफट वाला कड़ा प्रसाद की रेसिपी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।